अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सारी कमर चैनल में आप सबको खुश आमदी। तो जी व्यूअर्स, आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ ये वाइट चिकन कढ़ाई। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर एक ग्लास तकरीबन दूध डालेंगे। दूध को थोड़ा गर्म होने देंगे। जैसे ही दूध गर्म होने लगेगा, देखें जैसा कि दूध में बॉयल आया है, तब हमारे पास जो 1 kg चिकन है मैं वो इसमें ऐड करूँगी। चिकन को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। पहले आपने फ्लेम को मीडियम करना है और इसको कवर लगा देना है। इसको कवर लगा के हम दूध को अच्छे से बॉयल होने देंगे। जैसा कि दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, तो अब मेरे पास एक मीडियम साइज की प्याज थी, उसको मैंने थोड़ा क्रश कर लिया है। क्रश करने के बाद वो इसमें ऐड करूंगी। प्याज से एक क्रीमी सा टेक्सचर आएगा इसमें। अब इसको 7 से 8 मिनट तक हम ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे, गोश्त भी गल जाएगा और ये प्याज भी इसमें गल जाए। इसको हम कवर लगा के 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। तो जी व्यूअर्स, देखें जैसा कि प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी है, इसके साथ साथ हमारा चिकन जो है वो भी तकरीबन हाफ डन हो चुका है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूंगी। तो जी अब मैं फिर से कढ़ाई लूंगी, उसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, वो इसमें जाएगा। तो अच्छे से इसमें मैं ब्राउन करूंगी। लहसुन अदरक को आपने अच्छे से ब्राउन करना है, क्योंकि व्हाइट गोश्त में जो लहसुन अदरक का टेस्ट आता है उसका अपना ही एक मजा होता है। देखें जैसा कि लहसुन अदरक ब्राउन हो चुका है, अब मेरे पास जो चिकन है मैं इसमें वो ऐड करूंगी। चिकन को ऐड करने के बाद अच्छे से हम इसमें मिक्सअप करेंगे। इसको इसकी यकीन माने बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी जब अपने घर में बनाएंगे तो आपके पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी, खाने वालों के भूख में और भी इजाफा हो जाएगा। अब बारी है इनमें तमाम स्पाइसेस को ऐड करने की। इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून नमक जाएगा इसमें। इसके साथ इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर, आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें आपने जो हल्दी है वो नहीं यूज़ करनी, और जो लाल मिर्ची का पाउडर होता है यानी सुर्ख मिर्च का पाउडर वो ऐड नहीं करना, उससे सारा इसका कलर ख़राब हो जाएगा। इसमें मैं ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे हम दड़ा मिर्च भी बोलते हैं। इसके साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून जाएगा खुश्क धनिया, उसके साथ जाएगा 1/2 टीस्पून इसमें जीरा। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम अच्छे से पकाएंगे, ताकि जो जो इसमें पानी है वो सारा ड्राई हो जाए, हमारे पास हमारा जो मतलूबा चिकन है वो आ जाए। इसको हलाते रहना और इसका जो पानी है सारा हमने ड्राई आउट कर लेना। देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है। इसकी मज़ीद इसकी खूबसूरती के लिए इसमें मैं अदरक की स्लाइसेज ऐड करूँगी। कोई भी बर्तन या चीज़ होती है उसको अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करें। इसमें डाली है मैंने हरी मिर्ची, और इसके साथ ही इसमें मैं सब्ज़ धनिया ऐड कर दूँगी। मिक्स करेंगे। देखिए कितना प्यारा लुक इसके हमारे सामने आ रही है। आपके घर में जब भी कोई गेस्ट आए तो आप उनके लिए ये कढ़ाई जरूर रेडी करें। इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट में ऐसे ही रुकने दूंगी। तो जी व्यूअर्स, ये हमारी मज़ेदार सी वाइट चिकन कढ़ाई बनके बिल्कुल रेडी है, जिसको मैंने दूध में रेडी किया है। तो जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।